हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको नंबर यानी वचन, तो वचन क्या होते हैं उनके बारे में बताएंगे और कितने प्रकार के होते हैं। तो वचन की दृष्टि संज्ञा को दो वर्गों में विभक्त किया जाता है। पहला है सिंगुलर नंबर, मतलब एक वचन। अब इसकी डिफिनेशन देख लीजिए इंग्लिश में। ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन आर थिंग इज नोन एज सिंगुलर नाउन। वह संज्ञा जिसमें किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता हो उसे एक वचन कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे बॉय, गर्ल, ऑक्स, थ्री, मैन, ये सब क्या हैं? एक वचन है। अब दूसरा दिया है प्लूरल नाउन यानी बहुवचन। ए नाउन दैट डिनोट्स वन पर्सन आर थिंग इज नोन एज सिंगुलर नाउन। वह संज्ञा जिसमें एक से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं का बोध होता हो उसे हम बहुवचन कहते हैं। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। बॉयज बहुत से लड़के होंगे, गर्ल्स लड़कियाँ होंगी, ऑक्सन माने बैल होंगे, ट्रीज माने पेड़ होंगे, मैन माने आदमी। देयर आर मेनी वेज ऑफ फॉर्मिंग द प्लूरल। बहुवचन बनाते समय एक वचन संज्ञा के साथ यस लगा देते हैं। तो देखिए, सिंगुलर माने बॉय, प्लूरल में बॉयज हो जाएगा। चेयर माने होता है कुर्सी, चेयर्स माने कुर्सियाँ। काउ माने गाय, काउज माने गायें। पेन माने कलम होता है, पेन्स माने कलमे हो जाएगा। टेबल माने टेबल, टेबल्स माने मेजें। कार माने होता है कार, तो कार्स माने बहुत से कार हो जाएंगे। डेस्क माने एक डेस्क, और डेस्क माने होता है कई डेस्क। हाउस माने घर, हाउसेस माने कई घर हो जाएंगे। यदि एक वचन संज्ञा के अंत में ओ हो तो बहुवचन बनाते समय यस लगा देते हैं। जैसे बस, बसेज। डिश, डिशेज। ब्रांच, ब्रांचेज। बॉक्स, बॉक्सेज। टोमेटो, टोमेटोज। ग्लास, ग्लासेज। ब्रश, ब्रशेज। मैच, मैचेज। टैक्स, टैक्सेज। हीरो, हीरोज। अब एक वचन संज्ञाएं जिनके अंत में ओ हो तो वही बहुवचन बनाते समय यस लगाते हैं। जैसे डायनेमो, डायनोमोस। फोटो, फोटोस। किलो, किलोस। सोलो, सोलोस। रेशियो, रेशियोस। लोगो, लोगोस। यदि एक वचन संज्ञा में के अंत में वाई हो तो वही बहुवचन समय बनाते समय वाई को आई में बदलकर ई एस लगाते हैं। परंतु यदि वाई से पूर्व वावेल ए ई आई ओ और यू हो तो बहुवचन समय यस लगाते हैं। बेबी, बेबीज। सिटी, सिटीज। डे, डेज। आर्मी, आर्मीज। स्टोरी, स्टोरीज। लेडी, लेडीज। डंकी, डंकीज। पोनी, पोनीज। यदि एक वचन के अंत में यफ या यफ ही हो तो बहुवचन बनते समय यफ या यफ ही को वी में बदलकर यस या यस लगाते हैं। जैसे थीप के थीप्ज, वाइफ के वाइफ्ज, लोफ के लोव्ज, काल्फ के काल्फ्स, नाइफ के नाइव्ज, ओल्फ के ओल्ज। कुछ एक वचन संज्ञाओं में आए वावेल को बदल देते हैं। जैसे सिंगुलर और इधर प्लूरल। मैन का मैन होता है, टूथ का टीथ होता है, माउस का माइस होता है, गोस का गीज होता है, जेंटलमैन का होता है जेंटलमैन, फूट के फीट होता है, लूज का लाइस होता है, मैन सिंगर का मैन सिंगर। एक वचन संज्ञा के अंत में एन लगाकर बहुवचन बनाते हैं। जैसे सिंगुलर प्लूरल। ओएक्स ऑक्सन। चाइल्ड, चिल्ड्रेन। संक्षिप्त रूप में अंत में छोटा यस लगाकर बहुवचन बनाते हैं। सिंगुलर एम एल ए, एम एल ए एस। वी आई पी, वी आई पी एस। एम पी, एम पी एस। सी एम, सी एम। कुछ संज्ञाओं के एकवचन तथा बहुवचन समान होते हैं। जैसे एयरक्राफ्ट, कॉर्ड, स्कोर, डियर, सलमोन, हंड्रेड, स्वाइन, पेयर, मिलियन, सीप, डोजन, ग्रॉस। कुछ संख्याएँ बहुवचन में रूप में ही प्रयोग लाई जाती हैं। जैसे सिसोर्स, स्पेक्टिकल्स, ब्रीडर्स, एल्म्स, ट्रेजर्स, एनल्स, जीन्स, मिसेल्स, थैंक्स, टंग्स, मम्स, ब्रीचेस। कुछ संज्ञाएं बहुवचन रूप में होते हुए भी एक वचन रूप में प्रयोग लाई जाती हैं। फिजिक्स, इनिक्स, न्यूज, पॉलिटिक्स। कुछ समूह संज्ञाएं एक वचन में होते हुए भी बहुवचन रूप में लाई जाती हैं। कैटल, पीपुल, जेंटर, जेंट्री, पोल्ट्री। कुछ संज्ञाओं का एक वचन एक अर्थ होता है तथा बहुवचन दो अर्थ होते हैं। जैसे आर माने बाँह, आर्स माने बाँह या शस्त्र। कलर माने योग, कलर्स माने रंग या झंडा। मैनर्स माने तरीका है, मैनर्स माने तरीका है शिष्टाचार। कस्टम माने होता प्रथा या कस्टम माने प्रथाएं। आयात, शुल्क। स्पेक्टिकल्स माने होता दृश्य, स्पेक्टिकल्स माने दृश्य या चश्मा। पैन माने दर्द, पैंस माने दर्द या परवाह। लेटर माने होता अक्षर या पत्र, लेटर्स माने अक्षर पत्र या साहित्य। मोरल माने उपदेश, मोरल्स माने उपदेश या आचरण। कुछ संख्याओं के एक वचन रूप में दो अर्थ होते हैं तथा बहुवचन रूप में एक अर्थ होता है। जैसे लाइट, प्रकाश या लैंप। लाइट्स माने लैंप हो जाए। पाउडर के धूल, दवा। पाउडर्स माने दवा। प्रैक्टिस माने आदत या व्यायाम, या प्रैक्टिस माने आदत। अब कह रहा है 15वां, देखिए, बहुवचक संज्ञा के बहुवचन नहीं होते हैं। एग्जाम्पल, होप माने आशा, चैरिटी दान, काइंडनेस दयालुता, डेथ मृत। परंतु जब इन्हें बहुवचन के रूप में प्रयोग करते हैं तो जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग लाते हैं। काइंडनेस, एक्ट ऑफ काइंडनेस। प्रोकेशंस,
कैसा प्रोकेशन। धातुओं के बहुवचन नहीं होते हैं, एग्जाम्पल कॉपर, टीन, वुड, जिंक, गोल्ड, सिल्वर, ऐसे तमाम होते हैं ना। परंतु जब इन्हें बहुवचन रूप में प्रयुक्त करते हैं तो जातिवाचक संज्ञक रूप में प्रयोग लाते हैं। जैसे वुड्स के फॉरेस्ट, कॉपर्स के कॉपर कॉन क्वाइन और रॉड, आयरन के फेटर्स। अक्षर तथा अंकों को बहुवचन बनाते समय संबंधधारक चिन्ह एपोस्ट्रोफी के साथ यश लगाते हैं। जैसे 1920 व 29 के बीच यह विद्यालय प्रारंभ हुआ, दिस स्कूल स्टार्टेड इन 20s। दो बार चार व तीन बार पांच जोड़ो, एड टू फोर्स एंड थ्री फाइव्स। तो धन्यवाद स्टूडेंट, हमने आपको बचन पढ़ाया। आशा करता हूँ कि आपको ये हमारा वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा से आ गया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।